गजाननं भूतगणादि सेवितं कपित्थ जंगो फलचारु भक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मनोजपं मारुत तुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धि मतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूत मुख्यं श्रीराम दूतं शरणं प्रपद्ये। भाइयों मैंने कभी नहीं गाया है हारमोनियम पे, लेकिन कोशिश कर रहा हूं। और एक छोटा सा भजन उस समय का है, माँ यशोदा और भगवान कन्हैया जो काली देव पे गए हैं फूल लेने के लिए, तो वहां पर क्या होता है, एक छोटे से भजन के माध्यम से माफी चाहूंगा कोई भूल हो जाए तो। कभी भी मैंने माइक नहीं पकड़ा है गाने के लिए। अरे कूदे यमुना में कन्हैया लेके मुरली, कूदे यमुना में कन्हैया लेके मुरली, और सखाओं के कहने पर गेंद खेलते खेलते यमुना मैया में चली गई। दामा ने कहा कि मुझे मेरी गेंद ला करके दे दो। श्याम सुंदर ने छलांग लगा दी। हुआ क्या, अरे कूद पड़े बनवारी जल में वाला थाड़े रोवे, दामा कहने लगा श्याम सुंदर मुझे नहीं मालूम था क्या आप मेरे कहने पर यमुना मैया में छलांग लगा दोगे। कूद पड़े बनवारी जल में ग्वाला ठाड़े रोवे, पूछ गयो तेरो छैया मैया लेके मुरली, जल में पूछ गयो तेरो छैया मैया कूदे यमुना में कन्हैया लेके मुरली। माँ यशोदा ने जैसे ही सुना, जैसे ही माँ यशोदा को मालूम हुआ कि मेरा लाला यमुना में चला गया। ध्यान रखना साथियों, मैया की छाती फट गई आवाज सुनने के बाद। वो माँ दौड़ी दौड़ी यमुना मैया के तट पे आई। हुआ क्या,
अरे इतनी सुन के यशोदा मैया यमुना तट पे आई। इतनी सुन के यशोदा मैया यमुना तट पे आई। अरे मुझे छोड़ के कहाँ चले हो प्यारे कृष्ण कन्हाई, झाड़ी रोवे तेरी मैया लेके मुरली। यशोदा मैया यमुना के तट से खड़ी होकर के रोने लगी। श्याम सुंदर तेरे बिना मेरा कोई नहीं है, जी नहीं लाला। चाचा को तो करी देना। श्याम सुंदर